सोमवार को विधानसभा क्रमांक 2 के सभी वार्डों में स्कूल फीस माफ किए जाने, पालकों को राहत देने और स्कूलों को भी आर्थिक मदद देने की मांगों को लेकर प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर विधानसभा 2 के सभी छोटे बड़े कांग्रेस नेता मौजूद थे। वार्ड क्रमांक 28 के कांग्रेस नेता मुकेश यादव द्वारा निजी स्कूल एवं भाजपा सरकार के खिलाफ स्कूली बच्चों की स्कूल फीस माफी हेतु धरना प्रदर्शन एवं हस्ताक्षर अभियान सोमवार को सुबह अनोप टॉकीज चौराहे पर किया गया। स्थानीय अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। वार्ड की जनता ने फीस माफी को लेकर आक्रोश देखने को मिला। आंदोलन क्षेत्र क्रमांक 2 के नेता चिंटू चौकसी और राजू भदौरिया के नेतृत्व में हुआ। ये हस्ताक्षर अभियान इस प्रकार से लगाया गया जो स्कूल वालों की तरफ से जो फोन आ रहे हैं पालकों को कि भैया आप ये फीस अनिवार्य आपको भरना है, और जो ये लॉकडाउन हुआ है पाँच महीने में लॉकडाउन से जनता बहुत त्रस्त है, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है और स्कूल वाले प्रेशर बनाकर उनसे फीस भरवाने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि अब भैया हम कुछ तो मदद करें जनता के लिए, कुछ आगे आए तो हमने ये आगे आए हम और इसको आंदोलन को हमने उठाया है। लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद अब स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास के नाम पर पढ़ाई शुरू करवा चुके हैं, साथ ही स्कूल बंद अवधि की भी फीस के लिए पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में अब सरकार से मदद की मांग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। ये स्कूल की जो फीस माफी को लेकर जो स्कूल जो बंद हैं, कोरोना काल जो चल रहा है जिस कारण स्कूल स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों को घर पे ही पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट कोचिंग दी जा रही है हमारे माध्यम से, और स्कूल चूँकि बंद है तो फीस नहीं लगना चाहिए, उसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज कोरोना से राहत देने के नाम पर उन्होंने प्रदेश और देश की जनता को दिया। 76 अरब रुपए का कर्ज वर्ल्ड बैंक से केंद्र सरकार ने लिया ताकि कोरोना से राहत मिल सके प्रदेश की और देश की जनता को। उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा 15 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई, जिससे वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की संभावित आय केंद्र सरकार को होने जा रही है। इन सारी बातों से यह सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई वो केवल थोती और जुमलेबाजी वाली घोषणाएं हैं। सोमवार को परदेशीपुरा, सुभाष नगर, MR10, सुखलिया, रसोमा चौराहे पर विक्की रघुवंशी और सुशील सालुंके सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल फीस माफ करने और स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान आम लोगों ने हस्ताक्षर भी करवाए गए। आज विधानसभा 2 कांग्रेस ने आज घोषणा करी थी कि पूरे 18 वार्डों में कांग्रेस द्वारा जो पिछले 5 महीनों से सरकार द्वारा और स्कूल द्वारा मनमानी से जो फीस ली जा रही है, ना स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो रही है, और सब ये सब होते हुए भी आज स्कूल फीस लेने से मनाही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश जो सरकार जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है उसको जगाने के लिए आज कांग्रेस ने पूरे विधानसभा 2 में और आज प्रदेश चौराहे पर भाई धर्मेंद्र मौर्य, मनीष बेंडवाल जी है, बबलू पाल जी है, आशू पांडे जी है और हमारे वरिष्ठ नेता महेश गौर जी है, तमाम नेताओं द्वारा जो जनता परेशान है, तो इस सरकार को जो कुंभकर्णी नींद को सोए हुए उसको जगाने के लिए आज प्रदर्शन रखा गया है। विधानसभा क्षेत्र के बाद 2 के जितने भी हमारे जो वार्ड हैं उन सभी वार्डों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता आज अपना 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपना धरना आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उसको जगाने के लिए हमारे गांधीवादी तरीके से ये पहला प्रयास है। अगर अभी भी अगर वो नहीं जागे तो उग्र आंदोलन करने पर हमें विवश होना पड़ेगा। आपको और आपको सबको मालूम है कि कोरोना पॉजिटिव और ये जो संक्रामक महामारी मार्च महीने से शुरू हुई थी
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक हो गई है। इसी स्थिति में जब मकान मालिकों से किराएदारों का किराया माफ़ करा दिया गया है तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस माफ़ करना चाहिए। निश्चित रूप से जो कोरोना महामारी के चलते जो प्रशासन मूर्ख बना रहा है, कोरोना के नाम पर एक प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है। हम भी समझते हैं कि कोरोना बीमारी है, बाकी उसके तहत जो काम इसने पेंडिंग कर दिए हैं, आप देखिए कि स्कूल बंद है, स्कूल बंद होने से स्कूल संचालक भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो इस माध्यम से हमारी ये मांग थी कि स्कूल की जो फीस है वो भी माफ़ करी जाए और कहीं ना कहीं स्कूल जो स्कूल संचालक हैं उनकी मदद हो जाए, क्योंकि जैसे हमारा वार्ड 18-19 जो मेरा वार्ड 18 है, आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे स्कूल है जिनकी फीस 6,000 से लेके 5,000 से लेके 7-8,000 तक साल की फीस है, तो वो लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ें समस्याएं आ रही है, मतलब उन्हें गाड़ी भी चलाना है, टीचरों को भी तनख्वाह देना है, मतलब जो प्रभावित हो रहे हैं उन्हें देखा जाए और उनकी समस्या दूर करी जाए। ये हस्ताक्षर अभियान था बच्चों की फीस माफ़ी को लेकर, जो प्राइवेट स्कूल जो फीस मांग रहे हैं भाई, हमारा हस्ताक्षर अभियान यह था कि भाई जब स्कूल चालू हो तो आप फीस लें। लॉकडाउन है, कोरोना महामारी की से उभरा है, अभी लॉकडाउन से उभरा, कोरोना महामारी अभी भी चल रही है, चरम पे है कोरोना महामारी। अब आप बताइए, आदमी अपना रोजगार धंधा ठप पड़ा है और उसके पास पैसे नहीं है, फीस कहाँ से भरेगा लाखों रुपये? ये DPS स्कूल वाले और ये बड़े बड़े स्कूल वाले लाखों की फीस मांग रहे हैं ना, तो हमारा आंदोलन है और कि भाई फीस माफ़ी की जाए। और जो छोटे स्कूल हैं, जो कुछ लोग छोटे स्कूल चला रहे हैं, अगर उनको कहीं समस्या सरकार मदद करे। ये भ्रष्ट शिवराज सिंह चौहान की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है, कोरोना के टाइम भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, पूरा मोड पे छोड़ दिया इन्होंने, यू मोड पे छोड़ दिया कि भाई आप आत्मनिर्भर हो जाओ आप लोग, है ना। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।